ये इंशाल्लाह आखिरी सवाल है। हम लोग बोलते हैं कि शेख में नहीं देंगे, कुरैशी बोलते हैं कि हम सैयद में नहीं देंगे क्योंकि वो अलग खानदान है, अंसारी बोलते हैं हम अंसारी में ही देंगे, कोई अलग खानदान आए तो हम उसमें नहीं देंगे, इसमें दुरुस्त क्या है? और ये तो हम लोगों का ज़ाती इरादा ज़ाती फैसला भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने जब चाह जिसे चाह जहाँ पैदा करवाना चाह वहाँ पैदा करवा दिया, फिर हम लोग यहाँ पर फिरके क्यों बना रहे कि इसमें ही देना है उसमें ही देना है और हमारी इज्जत चले जाएंगी अगर हम इसमें दे देंगे पठान में दे देंगे, इसमें दुरुस्त क्या है आप बताइए। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया जो अमूमन मेरे सामने भी आता है, वो ये है कि मुसलमान आपस में ये कहते हैं कि फुला खानदान फुला लोगों में नहीं देगा अपनी बेटी या फुला खानदान की बेटी हम नहीं ला सकते चूंकि हमारी बिरादरी से हट कर है, चाहे फिर वो कुंबा कबीला बिरादरी जात कास्ट जो भी बहरहाल बोले आप वो अलग है हमसे, जैसे आपने मिसाल दी शेख जो है पठान से नहीं करेंगे, पठान जो है शेख से नहीं करेंगे, सैयद जो है इनको नहीं देंगे, ये बहुत होता है। बल्कि मैं तो ये जानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो एक खानदान से हैं, जो एक खानदान है उनकी लड़कियों की निकाह नहीं हो रही चूँकि लोग उनको इतनी इज्जत और एहतराम से देख रहे हैं कि उनकी बच्चों की शादियाँ नहीं हुई। मैं जानता हूँ जैसे सैयद बिरादरी इतना कि वो उनकी बच्चों से कोई शादी नहीं करनी, बोले तुमको बुरा बोले तो अजाम मिलता, बोले सीधा अजाम मिल जाता, तो शादियाँ नहीं हो रही बच्चियों की। लोग कॉल करते भाई कुछ बोलिए आप इसके खिलाफ, तो देखिए दीनदारी असल है, फिर दीनदार इंसान वो जो है वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, कोई खानदान ही नहीं उसका बैक मुस्लिम को बैकग्राउंड भी नहीं। सहाबा जब ईमान लाए तो इनका बैकग्राउंड क्या था, ये मुसलमान थे क्या? पूरे नहीं थे मुसलमान पूरे, जाहिर से तो उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था इस्लाम से, लेकिन दीनदारी असल थी। तो दीनदारी याद रखिए असल है, खानदान कुछ भी हो सकता है, बिरादरी कुछ भी हो सकती है, कुंबा कुछ भी हो सकता है, कबीला कोई भी हो सकता है, लेकिन दीनदारी याद रखिए इस्लाम में असल है। तो दीनदारी पैमाना है, जो आपने सवाल किया ना सब किसी को भी, हाँ ये अलग बात है कि कोई ये कहे कि हमारी कौम का मिजाज ऐसा है कि दूसरा आदमी अगर निकाह करे तो इनके मिजाज में जमता नहीं, इसलिए कि तेज मिजाज का तो वो आदमी वो हो जाता, ये तो एक अलग चीज़ है, ये हो सकता है कहीं जगह ऐसा होता है कुछ जगह, लेकिन हरगिज वो इस बुनियाद में नहीं कि वो खानदान का मसला, समझ रहे आप? ऐसी कुछ बुनियादें हो सकती हैं जो वजूहत बिल्कुल जेन्युइन हो और करना भी चाहिए वैसे, लेकिन ऐसी चीज जो आज हमारे पास हो रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं बस खानदान, नहीं तो नाक कट जाएंगी, मैं ये खानदान को मैंने इसमें दे दिया, मैं फुला खानदान को मैंने इसमें दे दिया, मैं फुला का हूँ, मैं इतने जानता हूँ, इतना मसला है किसी को इंतजार नहीं, लिहाजा सब कुछ छोड़े दीनदारी ही सिर्फ हमारा मैार है, दीनदार लड़की हो दीनदार लड़का हो बस यही खालिश हमारा मैार हो वैसी।